पाशवाली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और गुप्त जानकारी पर एक दुपहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पाशवाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक गाड़ी चोरी की वारदात सामने आई थी और इस मामले की जांच करते हुए पाशवाली पुलिस थाना की टीम ने सीसीटीवी कैमरे और गुप्त जानकारी पर राकेश डोंगरे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी गुन्ने की कबूली दे दी है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,20,000 का माल जब्त किया है। आगे की जाँच चल रही है। एक राजा फारूक खान नाम का एक लड़का समर्पण हॉस्पिटल में काम करता है, कैशियर करके। उसने समर्पण हॉस्पिटल के पार्किंग में रखा था गाड़ी। कुछ देर के बाद मुझको दिखा नहीं वो गाड़ी। पुलिस स्टेशन एफ आई आर हो गए 16 तारीख को। 17 तारीख को सीसीटीवी फुटेज देख के उसके एनालिसिस करके डीबी पतक एक राकेश हंसरा डोंगरे को ताबे में लिया। इसके पहले भी उसके ऊपर 5 फरवरी 2 गुने वाहन चोरी का और 1 लकड़गंज में चोरी का गुना दाखिल है। उसको ताबे में लेके पूछताछ किए, वो गाड़ी अम्बेडकर गार्डन के पास मिली है गाड़ी, उसके ताबे में जब्ती कर लिए। और इसके पहले भी उसने एक ऐसी गाड़ी चोरी किया था, वो 3 के अलावा और भी एक गाड़ी चोरी किया। उसका 46 नंबर के ऊपर से हम हीरो होंडा की पैशन किए, वो मालक का पता लगे, उसको भी ताबे में दिया जाएगा उसको। ये आरोपी गुनहगार है और इसके ताबे में 2 गाड़ी मिल गए। और ये जो गुने करने की पद्धति बोलते तो उसके पास डुप्लीकेट चाबी भी है, अगर चाबी से नहीं खुला तो हैंडल लॉक तोड़ के वो गाड़ी चोर के लेके जाता है। ये अनमेरिड और 25 साल का लड़का है, नशे की लत है इसको भी, नशे के लिए ऐसा काम करता है, नशे में करता है ऐसा उसने कबूली दी है। तो टोटल 2 गाड़ी 1,20,000 कीमत का मुद्देमाल जब्त की है। इसमें तपास पथक टीम है, APR सोमवंशी, हौलदार दिलीप पवार, प्रकाश पठान और जयपुरकर, अंकुश राठौड़, आशीष बावनकर और पद्माकर रुके, इन्होंने ये कार्रवाई की है। इसको क्या कलम लगा गाड़ी चोरी गाड़ी चोरी का BNS नहीं, नशे की इसमें ये किया था, लेकिन वो बेचने के पहले पुलिस ने पकड़ लिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।